तो क्या आपका करेक्टर भी सिर्फ सामने की ओर देखता है और पीछे से कोई उसे ठोक के चला जाता है? तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका करेक्टर चारों तरफ मुड़ सकेगा। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो आज इस वीडियो में हम विदाउट एनाटॉमी सीखे बॉडी पोजेस बनाना सीखने वाले हैं। अभी आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे बिना एनाटॉमी सीखे बॉडी पोजेस बनाए नहीं जा सकते, तो आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो सबसे पहले हम एनाटॉमी के कुछ बेसिक्स जानेंगे, सिर्फ बेसिक्स ही जानेंगे। ज़्यादा एडवांस में हमें एनाटॉमी सीखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें ड्रॉइंग करना है, MBBS नहीं। बात तो सही है। देखो भाई, पोजेस बहुत तरीके के होते हैं, लाइक फ्रंट पोज, 3/4 पोज, साइड पोज, बैक पोज, स्लीपिंग पोज, सिटिंग पोज, बट सारे पोजेस एक वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है बाकियों के लिए। मैं इसी वीडियो में ये सारे पोजेस बनाना आपको सिखा दूंगा। ओनली ये पोजेस ही नहीं, हम कुछ स्टोरी टेलिंग पोजेस भी बनाना सीखेंगे। और ये वीडियो बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, सो मैं इस वीडियो पे 5000 लाइक्स का टारगेट रखता हूँ। भाई सब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी, मजाक कर रहा हूँ यार, 1000 लाइक में ही मैं खुश हो जाऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। और भाइयों, एक और इम्पोर्टेंट बात, मैं इस वीडियो में आपको बॉडी एनाटॉमी बनाकर नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज मैंने अपनी लास्ट वाली लाइव स्ट्रीम में बनाकर दिखा दिया है, और उस लाइव स्ट्रीम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इतने बड़े वीडियो में आपको एनाटॉमी वाला पार्ट ढूंढने में मुश्किल ना हो, इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम लैप्स दे दिए हैं, आप वहाँ पर क्लिक करके इजीली देख सकते हो। सो ये रहा हमारा फुल बॉडी एनाटॉमी। सो हमारे बॉडी का अपर पार्ट और लोअर पार्ट दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। यहाँ पर कुछ लोगों को लगता है कि रिस्ट के ऊपर वाला पार्ट को अपर पार्ट कहा जाता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमारे पेल्विस के नीचे वाले पार्ट को लोअर पार्ट और पेल्विस के ऊपर वाले पार्ट को अपर पार्ट कहा जाता है। बाकी हैंड, शोल्डर, चेस्ट, लेग्स के बारे में आपको पता ही होगा। सो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की ओर, जिसमें हम पोजेस को ब्रेक डाउन करना सीखेंगे। इससे आपको और क्लैरिफिकेशन मिलेगा, एंड ये सीखना सच में बहुत जरूरी है। अगर आप ब्रेकडाउन करना सीख लोगे तो आपको अपना करैक्टर बनाने में काफ़ी आसानी होगी। तो ब्रेकडाउन करने के लिए हमारे पास ये एनिमे करैक्टर की पिक है, इसके थ्रू हम ब्रेकडाउन करना सीखेंगे। सबसे पहले हमें सर्कल्स ड्रॉ कर लेना है, देन चेस्ट एंड स्टोमच के लिए भी एक एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद पेल्विस के लिए हमें कुछ ऐसा शेप ड्रॉ कर देना है। उसके बाद सिंपली हमें इन सभी सर्कल्स को आपस में ज्वाइंट कर देना है, एंड सभी शेप्स को आपस में ज्वाइंट करने के बाद हमारा ब्रेकडाउन कम्प्लीट है। बस इतना ही सिंपल था ब्रेकडाउन करना। सबसे पहले हमें सर्कल्स ड्रॉ कर लेने हैं, उसके बाद हमें इन सभी सर्कल्स को आपस में मैच कर देना है, दैट्स इट। तो अब हमने ब्रेकडाउन करना भी सीख लिया है, अब हम किसी भी तरीके का कैसा भी पोज बना सकते हैं, सिटिंग पोज, स्लीपिंग पोज, किसी भी तरीके का पोज विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस। एंड रेफरेंस कोई बुरी चीज नहीं होती है, बड़े से बड़े आर्टिस्ट से लेके छोटे से छोटे आर्टिस्ट तक रेफरेंस का यूज करते हैं, बट आज हम रेफरेंस का यूज करेंगे स्मार्टली। एंड ये रेफरेंस लाने कहाँ से है एंड क्या सर्च करेंगे तो आपको परफेक्ट रेफरेंस मिलेगा, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, ताकि आप वीडियो एंड तक देखते रहें। एंड एक और इम्पोर्टेंट बात, आपको रेफरेंस किसी एनिमे करेक्टर, एनिमे मूवी, सीरीज से नहीं लेना है, आपको रेफरेंस रियल लाइफ रेफरेंसेस का यूज करना है। जैसा कि मैंने यहाँ पर एक किसी मॉडल की पिक ली है, एंड इसके थ्रू अब मैं अपना पोज बनाऊंगा। तो सिंपली पोज बनाने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, वही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। सबसे पहले हम सभी जॉइंट्स पे सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद सभी सर्कल्स को आपस में मैच कर लेंगे, एंड थोड़ी बहुत लाइक जैसे चेस्ट हो गया एंड पेल्विस वगैरह का जैसा शेप मैंने बताया था उस शेप को ड्रॉ कर लेंगे। इसके थ्रू हमारा एक पोज बनके तैयार हो जाएगा। इसके बाद रफ स्केच, आउटलाइन, कलरिंग, शेडिंग करने के बाद आपका पूरा पोज बनके कंप्लीट हो जाएगा। बस सिंपली इस ट्रिक का यूज करके आप किसी भी तरीके का पोज बना सकते हो, सिटिंग पोज, स्लीपिंग पोज, रनिंग पोज, किसी भी तरीके का पोज बना सकते हो। और ये टिप्स ओनली बिगिनर्स के लिए था। अब इसका यूज आपको लाइफ टाइम के लिए नहीं करना है, आप इसको बस 10 से 15 दिन आप ड्रॉ करोगे, उसके बाद आप देखोगे कि आप खुद से थोड़ी बहुत ड्रॉइंग कर ले रहे हो, एंड विदाउट रेफरेंस भी आप ड्रॉ करने की कोशिश करना। एंड लाइक आप एक काम और कर सकते हो कि आधे कैनवस में आप रेफरेंस को रखो और उसको देख के आप उसके जैसा ड्रॉ करने की कोशिश करो, इससे आपको और अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो अब मैं आपको अपने करेक्टर के लिए सिमिलर लुकिंग फ्रंट पोज, बैक पोज, साइड पोज बनाना सिखाने वाला हूँ। इस बार मैं आपको विदाउट रेफरेंस साइड पोजेस बनाकर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको एक स्क्वायर का कैनवस सिलेक्ट कर लेना है। अब जितना आपको अपने करेक्टर का साइज रखना है उस अकॉर्डिंग आपको दो लाइन्स मार्क कर लेने हैं। दोनों पैरेलल लाइन के ठीक बीच में आपको एक और लाइन ड्रॉ कर लेना है, जिससे आपको पता लग जाए कि कितने एरिया में आपका अपर बॉडी और कितने एरिया में आपका लोअर बॉडी आएगा। इससे आपके करेक्टर के सभी पोजेस सेम साइज के बनेंगे। अब उसके बाद जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ सिमिलर आप वैसे ड्रॉ कर सकते हो। इसकी काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में आपसे ऐसा ड्रॉ ना हो।
तो पहली बारी में ही हिम्मत मत हार जाना। वैसे आप इसके लिए भी रेफरेंसेस का यूज कर सकते हो। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, हर टाइम रेफरेंसेस का यूज ही नहीं करना चाहिए। खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो आप और अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे। तो अब बारी है अपना खुद का यूनिक स्टोरी टेलिंग पोजेस बनाने की। एंड स्टोरी टेलिंग पोज उतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप लोग समझते हो, बल्कि ये तो काफी आसान है, बिकॉज इसमें आपको सिर्फ अपर बॉडी ही बनानी होती है। वैसे आप फुल बॉडी भी बना सकते हो, बट मैं अपर बॉडी ही बनाना पसंद करता हूँ, एंड बहुत सारे लोग अपर बॉडी बनाना ही पसंद करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक सिंपल स्टैंडिंग पोज बनाना होगा, जो कि मैंने आपको लाइव स्ट्रीम में बनाकर दिखाया था, सो प्लीज़ वहाँ पर देख लेना। मैं वीडियो का लेंथ बढ़ाकर बोरिंग नहीं करना चाहता हूँ। तो अब बारी आती है हैंड मूवमेंट करते हुए पोजेस बनाने की। तो हैंड बनाने के लिए आप रेफरेंसेस का यूज़ कर सकते हो। हमें इस तरह का पोज बनाना है, इसलिए इसका रेफरेंस ये रहा। यहाँ से आप रेफरेंस लेके ऐसा पोज बना सकते हो। ऐसे ही आपको ढेर सारे हैंड पोजेस के रेफरेंसेस मिल जाएंगे। एंड जो ही नहीं है कि आप अपने करेक्टर का पोज बनाते टाइम किसी एक इमेज से ही रेफरेंस ले, आप अलग अलग दो तीन पिक से भी रेफरेंस लेके अपना एक खुद का करेक्टर का पोज बना सकते हैं। एंड अब बारी आती है कि रेफरेंसेस ढूंढने कैसे हैं। तो रेफरेंसेस ढूंढने के लिए सबसे बेस्ट ऐप है पिंटरेस्ट। मैं गूगल से भी ज़्यादा बेस्ट ऐप पिंटरेस्ट को मानता हूँ रेफरेंस ढूंढने के मामले में। तो फॉर एग्जांपल मेरे को अपने करेक्टर को सोए हुए दिखाना है, तो इसके लिए मैं पिंटरेस्ट पे सर्च करूँगा स्लीपिंग पोज रेफरेंसेज। तो मेरे सामने ये कुछ रेफरेंसेज आ रहे हैं, बट जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि हम रियल लाइफ रेफरेंसेज का यूज़ करेंगे, सो मैं इस वाले रेफरेंस को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं इसमें से कोई अपने लिए एक रेफरेंस ढूंढ लूँगा, अगर फिर भी नहीं मिला तो उसके सजेशंस में और भी अच्छे अच्छे रेफरेंसेज आपको मिल जाएंगे। लाइक मुझे अब अपने करेक्टर के लिए स्टोरी टेलिंग पोजेस बनाने हैं, तो मैंने सर्च किया मेल मॉडल फोटोशूट। लाइक मुझे ये वाला इमेज मिला। इनमें से कुछ हैंड पोजेस मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, जो मेरे स्टोरी टेलिंग पोजेस में काम आ सकते हैं। इसी तरह आप भी अपने लिए बेस्ट रेफरेंसेस ढूंढ सकते हैं। हाँ, रेफरेंसेस ढूंढने में थोड़ी मेहनत तो लगेगी यार, अब कोई भी चीज़ आपको वैसे फ्री में तो नहीं मिल जाएगी, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो बस रेफरेंसेस ढूंढो अपने लिए और बेस्ट बेस्ट पोजेस बनाओ। एंड हो सके तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, अगर कुछ बात बात करनी होगी तो DM कर सकते हो। इसके अलावा इस वीडियो में मैंने जो भी रेफरेंसेस यूज़ किए हैं या फिर जो भी साउंड इफेक्ट्स वगैरह यूज़ किए हैं, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं। वहाँ पर और भी मोड AP के आपको मिल जाएंगे, सभी ऐप्स के, ड्राइंग ऐप्स के मिल जाएंगे, एडिटिंग ऐप्स के मिल जाएंगे, तो ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो मिलते हैं वहीं पर। एंड यार, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना यार। और अगर आपके किसी दोस्त को बॉडी पोजेस बनाने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरा ये वाला वीडियो रिकमेंड कर सकते हो। तो बस यही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर। और गाइज, 1000 लाइक टारगेट मत भूलना, सोचा एक बार और याद दिला दूँ। और अगर 1000 लाइक हो जाता है तो 5000 भी कर ही देना।